नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। महंगाई से परेशान आम आदमी को राहत मिली है। उज्ज्वला में राहत के बाद अब सभी के लिए एलपीजी सिलेंडर के दाम कम हो गए हैं। एलपीजी सिलेंडर 100 रुपए सस्ता हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने महिला दिवस के अवसर पर ट्वीट करके कहा कि आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला किया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा, जिससे पूरे परिवार का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। एलपीजी सिलेंडर में 100 रुपए की छूट, महिला दिवस पर पीएम मोदी का ये बड़ा ऐलान। करोड़ों परिवारों को इससे राहत मिलेगी, पीएम ने ऐसा कहा। महिला दिवस पर ये पीएम ने बड़ा ऐलान किया है और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए खुश भरी खबर, अच्छी खबर, राहत देने वाली खबर। महिला दिवस पर पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। बड़ी सौगात जो है महिलाओं को दी है। महंगाई से परेशान आम आदमी को ये राहत मिलेगी। उज्ज्वला में राहत के बाद अब सभी के लिए एलपीजी सिलेंडर के दाम कम हो गए हैं। एलपीजी सिलेंडर 100 रुपए सस्ता हुआ है। बता दें आपको, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज है और इसी पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। पीएम मोदी ने महिला दिवस के अवसर पर ट्वीट करके कहा कि आज हमने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए की छूट का बड़ा फैसला लिया है। इससे नारी शक्ति का जीवन आसान होने के साथ ही करोड़ों परिवारों का आर्थिक बोझ भी कम होगा। ये कदम पर्यावरण संरक्षण में भी मददगार बनेगा। ज्यादा जानकारी के लिए सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से और उस पर बड़ी सौगात, बड़ी राहत वाली खबर पीएम मोदी द्वारा। जी बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उपहार महिलाओं के लिए है, क्योंकि साफ तौर से एलपीजी सिलेंडर पर 100 रुपए फिलहाल सस्ता किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। और निश्चित रूप से सरकार के इस कदम से देश भर के लाखों परिवारों का जो वित्तीय बोझ है वो जरूर कम हुआ है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं महिला दिवस के अवसर पर ट्वीट करके कहा है कि आज ने एलपीजी सिलेंडर की जो कीमतें हैं उसमें 100 रुपए के छूट करने का एक बड़ा फैसला लिया है। निश्चित रूप से पीएम उज्ज्वला योजना पर मिलने वाली सब्सिडी का एक साल बढ़ा भी दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है, क्योंकि साफ तौर से महिलाओं को अगर उनके फिलहाल किचन से जोड़कर देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए केंद्र सरकार के द्वारा उठाया गया ये बड़ा कदम है। और उज्ज्वला योजना जो भारत सरकार की पहली योजना है महिलाओं को लेकर, ये अपने आप में एक बड़ा और सार्थक कदम है सरकार का। जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए सुशील। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और आज श्रद्धालुओं की भीड़ जो है मंदिरों में उमड़ पड़ी है। इसी बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में पहुंचे। महाकालेश्वर में पूजा अर्चना उन्होंने की। सीएम ने बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और देश प्रदेश के लिए खुशहाली की कामना की। सीएम के साथ उनकी पत्नी ने भी भगवान महाकाल की पूजा की। ये तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं महाकाल के दरबार की, बाबा महाकाल के दरबार की, जहाँ वो पहुंचे और जो है पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई। पत्नी संग वो पहुंचे और बाबा के दरबार में हाजिरी उनके द्वारा लगाई गई, पूजा अर्चना की गई, जलाभिषेक उनके द्वारा किया गया, साथ ही साथ देश प्रदेश के लिए खुशहाली की कामना भी उनके द्वारा की गई। जय श्री महाकाल,
विक्रमादित्य काल से लेकर के राजा सूरसेन यादव तक और अभी परवर्ती काल में महाजी सिंधिया द्वारा निर्मित बाबा महाकाल के इस मंदिर में मैं आज अपने आप को कृतार्थ मानता हूँ। मुखिया होने के नाते से शासकीय पूजा यद्यपि दोपहर 12 बजे है, लेकिन मैंने संकल्प लेकर के पूजा करके हमारी जो परंपरा है शासकीय व्यवस्थाओं का विधान करने का प्रयास किया है। बाबा महाकाल सब पे कृपा करें, मैंने ये आशीर्वाद मांगा है। मेरी अपनी ओर से पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को और सनातन संस्कृति के विश्ववासियों को, सभी को हमारी महाशिवरात्रि पावन पर्व की मंगल कामना है। सर आज खजुराहो भी जा रहे हैं, आज शंखनाद होगा निश्चित रूप से। यहाँ से मैं बोरेश्वर महादेव जा रहा हूँ, जब बोरेश्वर महादेव जहाँ जल चढ़ता तो 4000 साल पुरानी दंगवाड़ा संस्कृति है, जहाँ जल चढ़ाओ भगवान शिव के ऊपर तो वो जल कहाँ जाता पता नहीं, गर्भगृह के अंदर चला जाता, पृथ्वी माता अपने आप में ले लेती है, जलाधारी से जल बाहर नहीं आता है। ऐसे कई रहस्यपूर्ण हमारे देवस्थान है, देवालय है, जिनके रहस्यों से पर्दा उठना है और इनका एक अलौकिक जो दृश्य होता है उसका हम अपनी आँखों से सिंहावलोकन करते हैं। मैं अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई देता हूं। महाशिवरात्रि का विशेष अवसर है और आज हम आपको शिव के ऐसे धाम पर ले चलते हैं जहां स्थित ज्योतिर्लिंग की खासियत यह है कि वो नर्मदा नदी के उत्तर में है और जिस पर्वत पर यह स्थित है उसकी आकृति ओम आकार की है। ऐसी भी मान्यता है कि तीनों लोक में भ्रमण के बाद भगवान शिव यहां मां पार्वती के साथ विश्राम करते हैं, इसीलिए यहाँ शयन आरती का महत्व भी अधिक माना गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये है देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर। ये नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और जिस पर्वत पर है उसकी आकृति ओम आकार की है, इसीलिए भी ये मान्यता है कि तीनों लोक में भ्रमण के बाद भगवान शिव यहाँ विश्राम करते हैं, इसीलिए शयन आरती का महत्व भी यहाँ अधिक माना गया है। महाशिवरात्रि पर भगवान ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के दर्शन और पूजन का विशेष महत्व माना गया है। सभी तीर्थों के दर्शन के बाद वहां के जल से भगवान ओंकारेश्वर को अर्पित करने पर ही तीर्थ यात्रा को पूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि तीनों लोकों का भ्रमण कर भगवान शिव और मां पार्वती यहां रात्रि विश्राम के लिए आते हैं। गर्भगृह में उनके शयन की विशेष व्यवस्था की जाती है। ओंकारेश्वर में प्रातः कालीन, मध्यकालीन और सायंकालीन आरती गुप्त आरती होती है। महाकाल में भस्म आरती का महत्व है, यहाँ पे शयन आरती का महत्व है। ये हमारी परंपरा रही है कि बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती के साथ विश्राम के लिए ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में पधारते हैं तो उसकी शयन आरती के लिए बाबा को श्रृंगार स्नान झूला पल्ला चौपड़ पास से बिछा करके भगवान ओंकारेश्वर का शयन आरती करके दर्शनों को दर्शन लाभ दे करके दर्शन आनंद दिलाते हैं। यही भगवान ओंकारेश्वर की ज्योतिर्लिंग की शयन आरती ही प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग है ममलेश्वर, ओंकार महादेव भी है यहाँ पर और शिव के अनेक रूप, अनेक शिवालय, अनेक शंकर मंदिर है यहाँ पर और पौराणिक पृष्ठभूमि जो है अति प्राचीन है यहाँ की। महाशिवरात्रि पर भक्त विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ज्योतिर्लिंग दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ओंकारेश्वर में देश भर के भक्तों का तांता लगा रहता है। महाशिवरात्रि पर रात भर मंदिर भक्तों के लिए खुला रहता है। हम नागपुर से आए हैं और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, इनके हम दर्शन करने के लिए आए और इतने सारे लोग आए, इतना उत्साह है हमें देखने के लिए। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर ट्रस्ट द्वारा महाशिवरात्रि का पर्व होने पे साल में एक ही बार ऐसा दिन आता है जिसमें 24 घंटे भगवान का मंदिर खुला रहता है। क्योंकि ओंकारेश्वर में लगभग ये मान के चलो कि कम से कम 2 लाख लोग आने की संभावना है और उसी के तारतम्य में सारे पुलिस के जो अधिकारी है वो लोग भी रहेंगे और पुलिस के द्वारा भी ड्यूटी लगाई गई है और पार्किंग की भी व्यवस्थाएं अच्छी की गई है वहाँ पे ताकि व्यक्तियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो।
साल भर में सिर्फ महाशिवरात्रि पर ही ओंकारेश्वर मंदिर भक्तों के लिए 24 घंटे खुला होता है। मंदिर को विशेष रूप से सजाया जाता है और बाबा भोलेनाथ की भव्य बारात निकाली जाती है। न्यूज 18 के लिए खंडवा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट। पर्व पर अब हम चलेंगे नर्मदापुरम के सुहागपुर, जहां करीब 2 से 2.5 हजार साल पुरानी शिव प्रतिमा है। ये अपने आप में अनोखा शिव मंदिर है, क्योंकि मंदिर में एक ही पत्थर पर शिव और पार्वती के साथ उनका पूरा परिवार उकेरा गया है। मंदिर के बारे में बताया जाता है कि इसकी स्थापना 1962 में हुई, जब ये पुरानी मूर्ति एक किसान को मिली थी। देखिए, यह है नर्मदापुरम के सुहागपुर का प्राचीन शिव मंदिर। शिव शक्ति के इस अनोखे मंदिर में अनूठी प्रतिमा है, जो करीब 2000 साल पुरानी है। एक ही पत्थर से बनी प्रतिमा में भगवान शिव, माता पार्वती समेत समूचा शिव परिवार विराजमान है। मूर्ति के शिखर पर अर्ध नारीश्वर, शिवगण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी हैं। इस समय मौजूद हैं नर्मदापुरम के सुहागपुर के प्राचीन श्री शिव मंदिर में। आप देखेंगे भगवान शिव का जो मंदिर है वो अपने आप में विलक्षण है, क्योंकि भगवान का जो विग्रह है, भगवान शिव, माता पार्वती सहित इस मंदिर में विराजमान है। एक पत्थर से बनाई हुई मूर्ति है और भगवान के ठीक ऊपर अर्धनारीश्वर स्वरूप सहित शिव परिवार, उनके गण, नंदी, भृंगी सहित सभी विराजमान हैं। ये प्रतिमा 1961 में खुदाई के दौरान मिली। पुरातत्व विभाग के मुताबिक ये दुर्लभ प्रतिमा करीब 2000 साल पुरानी है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को जब अमर कथा सुनाई थी तो उस समय उनका यही स्वरूप था, जैसा कि इस प्रतिमा में दिखाई देता है। शिवालय में भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा 3.5 फीट ऊंची और 2.5 फीट के करीब चौड़ी है। 1961 में ये प्रतिमा एक खेत से निकली थी, तभी से ये प्रतिमा और मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मंदिर में ही शिवलिंग भी विराजित है, जो जनेऊ से घिरा है। ये 10 अगस्त 1961 में दिन गुरुवार 12 बजे एक किसान हल चला रहा था तो खेत में ये मूर्ति निकली थी। जब से ये मंदिर में प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि का मेला भरता है और सभी भक्त लोग श्रद्धालु आते हैं, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। जानकारों के मुताबिक भगवान शिव की प्रतिमा बेहद दुर्लभ है और माता पार्वती के साथ भगवान शिव की प्रतिमा बेहद कम नजर आती है। शिव पार्वती का यह स्वरूप भी अत्यंत दुर्लभ है, इसीलिए यहाँ का महत्व विशेष माना जाता है। महाशिवरात्रि पर यहाँ मेला लगता है जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव समेत माता पार्वती और शिव परिवार के दर्शन जो भी श्रद्धालु करते हैं, महादेव और माता पार्वती उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस प्राचीन मंदिर को लेकर के श्रद्धालुओं में बड़ी आस्था है और हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ पर बड़ा विशाल मेला लगता है, जिसमें आसपास के ग्रामीण सहित सुहागपुर के हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। आइए दर्शन करिए भगवान शिव के इस विशेष धाम के। न्यूज 18 के साथ शैलेंद्र कौरव, न्यूज 18 नर्मदापुरम। और अब बात एक ऐसे शिव मंदिर की जो अब पुरातत्व विभाग के अधीन है। हर साल सावन माह में सोमवार को यह मंदिर विशेष रूप से खोला जाता है। सागर जिले के पाली गांव के पास पहाड़ी पर महादेव का प्राचीन मंदिर है। चंदेल राजाओं ने यह शिव मंदिर बनवाया था। मंदिर में नक्काशी चंदेल काल की ही है। देखिए,
ये है देवों के देव महादेव का खास मंदिर। यहाँ 1008 रुद्री के साथ एक पिंडी में विराजमान है देवों के देव महादेव। मंदिर में बने शिवलिंग की पिंडी में 1008 रुद्र की नक्काशी है। इतिहासकारों के अनुसार यह ऐतिहासिक मंदिर चंदेल काल का है। जिस टीले के मुहाने पर यह मंदिर है वहां और भी कई सारी टूटी हुई प्रतिमाएं हैं जो इसके प्राचीन होने की गवाही देती हैं। ये मंदिर पुरातत्व विभाग के अधीन है। मंदिर परिसर में लोग आ सकते हैं लेकिन गर्भगृह में नहीं जा सकते। ये केवल सावन के सोमवार, कार्तिक पूर्णिमा और महाशिवरात्रि के दिन ही खुलता है। शेष दिनों में मंदिर में ताला लटका रहता है। इस वक्त हम खड़े हैं सागर से 35 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पाली में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक शिव मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, जिसमें जिसकी खासियत यह है कि भगवान शंकर की शिवलिंग में जो है हजार कलाकृतियां छोटी छोटी पिंडी के रूप में उकेरी गई हैं। और ये जो पूरा मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। कहा जाता है कि ये लगभग 1000 वर्ष पुराना मंदिर है, जिसको चंदेल शासकों ने जो है इसको बनवाया था। और इसमें जो उसी समय की जो नक्काशी इतनी बारीकी से की गई, जिसमें एक एक आप कलाकृति जो है उसको क्लियर तरीके से देख सकते हैं। लोगों की आस्था है कि एकमात्र पिंडी के पूजन से 1100 पिंडी पूजने की कृपा भगवान शिव से प्राप्त होती है। मंदिर की दीवारों पर भोग की प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं। 10वीं और 11वीं शताब्दी में निर्मित ये मंदिर अपनी प्राचीनता के कारण आस्था का केंद्र है। शिवलिंग के ठीक सामने मंदिर के बाहर नंदी की प्रतिमा स्थापित है। गर्भगृह के जल निकासी के लिए मंदिर के पीछे अद्भुत प्राचीन इंजीनियरिंग दिखाई देती है। एक ही शिवलिंग पर हजारों शिवलिंग की आकृति उकेरी गई है। इसे हजारिया महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर कल आते हैं, भक्त आते हैं, भगवान महादेव की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि जो ये हजारी शिवलिंग है, इसमें एक बार अभिषेक करने से जो है हजार बार इसका पुण्य जो है हासिल होता है। पंकज प्रजापति, न्यूज 18, सागर। इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।